नमस्कार। तो आज अपन देखते हैं डीपीपी 2 के आंसर्स, ठीक है? तो आपको वीडियो पॉज करना है और एक एक क्वेश्चन का आंसर सोचना है, फिर डिस्कस करेंगे। क्या एक बार मैं क्विज चलाता हूँ 5-5 सेकंड के साथ, है ना? पूरी डीपी के क्वेश्चन चलाऊंगा, आप एक पेपर लेकर अपना आंसर लिख लो, फिर एक साथ डिस्कस कर लेते हैं। चलो डिस्कस करें। अंडरगो रिमर टिमन रिएक्शन, इनमें से किसका रिमर टिमन होता है? रिमर टिमन अपन किसका करते हैं? फिनॉल का, क्योंकि रिमर टिमन रिएक्शन होता है एक्टिवेटेड रिंग का। फिनॉल का बनता है फिनोक्साइड आयन, और हमारा डाइक्लोरोकार्बिन जो है ना, जिसको हम DCC बोलते हैं, ये वीक इलेक्ट्रोफाइल है बिकॉज ऑफ बैक बॉन्डिंग। तो रिमर टिमन कब होगा? व्हेन देयर इज ए एक्टिवेटेड रिंग। एक्टिवेटेड रिंग से मतलब क्या है? वहाँ पे स्ट्रॉन्ग प्लस एम एंड प्लस आई होना चाहिए, ठीक है ना? जैसे नाइट्रोबेंजीन में नहीं होगा, बेंजीन में नहीं होगा। रिमर टिमन में क्या यूज करते हैं? हम यूज करते हैं क्लोरोफॉर्म एंड बेस, तो कार्बिन बन के रिएक्शन होगी। मेजर प्रोडक्ट रिमर टिमन में क्या बनता है? जब हम फिनॉल का रिमर टिमन करते हैं तो अल्टीमेटली होता क्या है रिमर टिमन में? ये एच की जगह पे क्या आता है? CHO, एच की जगह पे CHO, तो क्या बनेगा? सैलिसिलाइड। इलेक्ट्रोफाइल कौन होता है रिमर टिमन में? डाइक्लोरोकार्बिन। व्हाई इट इज इलेक्ट्रोफाइल? बिकॉज इट हैज वेकेंट पी ऑर्बिटल। सिंगलेट कार्बिन का पी ऑर्बिटल वेकेंट होता है, तो वो इलेक्ट्रोफाइल की तरह काम करता है, तो इसलिए हमारा आंसर क्या रहेगा? ए। नेसेसरी फॉर द जनरेशन ऑफ कार्बिन। हाँ, रिमर टिमन में कार्बिन बनाने के लिए क्या चाहिए? स्ट्रॉन्ग बेस के साथ क्या चाहिए हमको? क्लोरोफॉर्म, तब हमारा कार्बिन बनता है। यानी इसका आंसर क्या रहेगा? ए। इज ए मेथड टू फॉर्म विच फंक्शनल ग्रुप ऑन द एरोमेटिक रिंग। हाँ, रिमर टिमन में कौन सा फंक्शनल ग्रुप लगता है? कीटोन लगता है या एल्डिहाइड लगता है? फॉर्माइलेशन होता है ना, एच की जगह पे CHO लगता है, यानी कौन सा होता है? फॉर्माइलेशन ऑफ फिनॉल, यानी एल्डिहाइड का इंट्रोडक्शन होता है। रिमर टिमन में इंटरमीडिएट क्या है? पहले क्लोरोफॉर्म बेस से क्या बनता है? कार्बनायन बनता है, पहला इंटरमीडिएट ये है। फिर ये किस में कन्वर्ट होता है? कार्बिन में। रेडिकल तो नहीं बनता है ना, तो इसका मतलब है कार्बिन। प्रेफरेंसली टारगेट इन फिनॉल, ऑर्थो और मेटा में से कहां अटैक करता है? अगर हम फिनॉल में इलेक्ट्रॉन डेंसिटी देखें तो ये प्लस एम लगता है ना, तो बेसिकली ये प्लस एम वाले की डायरेक्टिंग नेचर क्या होती है? ऑर्थो पैरा, वो सिग्मा कॉम्प्लेक्स से आता है। एक और तरीका है, नेगेटिव चार्ज देख लो, ये इतना बेटर नहीं है, लेकिन मेन तरीका है इलेक्ट्रोफाइल अटैक करोगे तो स्टेबल सिग्मा कॉम्प्लेक्स, या जो प्लस एम होंगे तो ऑर्थो पैरा पे नेगेटिव है, इसलिए हम बोलेंगे ऑर्थो पोजिशन। बेटर आंसर है स्टेबल सिग्मा कॉम्प्लेक्स। ये इंटीजर टाइप क्वेश्चन है, ट्राई करो। During the रिमर टिमन रिएक्शन फिनॉल इज ट्रीटेड विद क्लोरोफॉर्म इन प्रेजेंस ऑफ एक्वस NaOH। तो रिमर टिमन रिएक्शन में हम क्या करते हैं? फिनॉल प्लस क्लोरोफॉर्म प्लस एक्वस बेस। इफ वन मोल ऑफ फिनॉल रिएक्ट कंप्लीटली हाउ मेनी मोल ऑफ NaOH इज रिक्वायर्ड? इसके एक मोल के लिए NaOH के कितने मोल चाहिए? अच्छा, प्रोडक्ट क्या बनता है हमारा? प्रोडक्ट बनता है सैलिसिलाइड। तो पहले हमको मैकेनिज्म पता होना चाहिए। तो फर्स्ट मोल तो क्या करता है? एसिड बेस करता है। कितने मोल कंज्यूम हुए अब तक? एक, है ना? फिर सीएल निकल के कार्बिन बना,
अब तक कितने मोल कंज्यूम हुए? एक ही हुआ ना अब तक, ठीक है। फिर क्या होगा, बेसिक मीडियम में फिनॉल कन्वर्ट इनटू फिनॉक्साइड आयन, यानी ये हमारा दूसरा मोल कंज्यूम हो गया। यही होता ना मैकेनिज्म। फिर हमारा नेक्स्ट स्टेप क्या होगा, इसका रेजोनेंस होके इस पर अटैक, तो ये बनता है CCl2। ये बनता है CCl2 कार्बन आयन। फिर ये H लेके एरोमेटाइज करता है, ये बन जाता है फिनॉक्साइड आयन, और यहां बनता है CsCl2, है ना। CsCl2 के बाद क्या होगा, फिर जब एक्वस QH डालोगे तो एक्वस QH में Cl की जगह पे आएगा OH। OH आ गया, फिर आगे क्या होगा, तो एक्वस QH में Cl की जगह पे आएगा OH। फिर आगे यहां से C डबल बॉन्ड O बना और Cl माइनस निकल गया, और Cl माइनस ने ये H ले लिया। तो ये बन गया हमारा सैलिसिलडिहाइड, है ना। तो एक मोल क्लोरोफॉर्म से रिएक्ट किया, दूसरा ये फिनॉक्साइड आयन से, एक तो क्लोरोफॉर्म से किया, दूसरा फिनॉक्साइड आयन से किया, और एक ने यहाँ पे SN2 किया। SN2 करने के बाद, अच्छा SN2 करने में लास्ट में एक फिनॉल है ना, फिनॉक्साइड आयन बनाएगा, लेकिन साथ में HCl भी है, तो यहाँ पे कोई एक्स्ट्रा मोल कंज्यूम नहीं हुआ। एक ने अगर फिनॉक्साइड आयन बनाया भी है तो दूसरे न्यूट्रलाइज कर दिया है ना, HCl को न्यूट्रलाइज कर दिया, तो नेट कितने मोल कंज्यूम हुए, 3, कार्बिन वाला, फिनॉक्साइड वाला और SN2 वाला। आंसर कितना रहेगा, 3। तुम ये समझे यहां एक्स्ट्रा क्यों नहीं ऐड हुआ, क्योंकि ये अगर एक ले रहे हो तो ये एक न्यूट्रलाइज भी तो करेगा, तो ये एसिड बेस हुआ तो HCl वापस न्यूट्रलाइज करेगा, तो नेट 3 मोल कंज्यूम हुए। इन द रेमन टेबल व्हाट इज द मॉलिक्यूलर वेट इंक्रीज इन प्रोडक्ट कंपेयर टू स्टार्टिंग फिनॉल ड्यू टू एडिशन ऑफ फॉर्माइलेशन। फॉर्माइलेशन करेंगे तो बताओ रेमन टेबल में। अच्छा, पिछले क्वेश्चन को करने का एक और तरीका था, साइड प्रोडक्ट लिख के आप बैलेंस कर दो तो भी आंसर आ जाएगा। फॉर्माइलेशन में क्या होता था, मॉलिक्यूलर वेट हम करते थे, क्या था, H की जगह पे CHO आएगा, यहाँ पे पहले एक H हुआ करता था, H की जगह पे CHO, यानी एक कार्बन और एक ऑक्सीजन बढ़ गया, यानी मॉलिक्यूलर वेट कितना बढ़ा, 28 बढ़ा। जनरली ऐसा लगता है कि 29 बढ़ा, 29 नहीं बढ़ा, बिकॉज H इज रिप्लेस बाय CHO, तो आंसर हुआ 28। रिमर टिमन में हाउ मेनी मोल ऑफ क्लोरोफॉर्म आर कंज्यूम्ड पर मोल ऑफ फिनॉल। क्लोरोफॉर्म कितना कंज्यूम होता है पर मोल ऑफ फिनॉल, ये तो 1:1 में रिएक्ट करता है ना हमारा, तो इसका मतलब है कि ये पर मोल है, इसका एक मोल है तो इसका भी एक मोल होगा, समझ गया आप। ये इसके आंसर है जो मैंने आपको एक्सप्लेन कर दिया, तो होपफुली आपका ये 4 क्वेश्चन करेक्ट गए होंगे। कितने आपके करेक्ट हुए हैं वो आप कमेंट सेक्शन में ज़रूर लिखना, इन सब वीडियो से आपको कितना फ़ायदा हो रहा है उसका भी कमेंट ज़रूर लिखना, ठीक है। मिलते हैं फिर आगे। जय हिंद, जय भारत।